नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें भक्त कवि सूरदास जी के पदों की व्याख्या की जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से और सूरदास जी के जो पद है वो सूर सागर ग्रंथ में संकलित है, तो सूर सागर ग्रंथ में संकलित गोपी प्रेम शीर्षक से पदों की व्याख्या की जा रही है। विगत वीडियो में भी हमने गोपी प्रेम शीर्षक से तीन चार पद है वो पढ़ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं अगले पद को जो कि आपका गोपी प्रेम शीर्षक से ही उद्धृत है, तो इसको हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण शाखा के प्रमुख कवि कृष्णाश्रयी सगुण भक्त के रूप में हम देखते हैं सूरदास जी को, जो कि अष्ट छाप कवियों में से एक श्रेष्ठ कवि थे, भक्त कवि थे सूरदास जी महाराज। तो इनके बारे में इनके पदों को हम देखते हैं। अब गोपी प्रेम शीर्षक से देखिए कि सजनी निरखी हरि को रूप, ये नौवां पद है प्यारे विद्यार्थियों, कि सजनी सखी हरि को रूप, सजनी निरखी हरि को रूप, मन सी वच सी विचारि देखो अंग अंग अनूप, कुटिल केश सुदेश अलिगन बदन सरद सरोज, मकर कुंडल किरण की छवि दुरत पिरत मनोज, अरुण अदर कपोल नासा सुबग ईषद हास, दसन की दुति तड़ित नव शशि भ्रकुटी मदन विलास, अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर्बन माल, सूर शोभा हृदय पूरन देत सुग गोपाल, सूर शोभा हृदय पूरन देत सुग गोपाल, सजनी निरख हरि को रूप, सजनी निरख हरि को रूप। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में हम देखते हैं प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ में संकलित गोपी प्रेम शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है, ऐसा लिखना है आपको। कृष्ण के इसमें कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षित कोई गोपी है, वो अपने मनोभावों को व्यक्त कर रही है। कोई गोपी है जो श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी पर, रूप छवि पर आकर्षित हो गई है, और उस समय उसकी मन की क्या दशा होती है उसका चित्रण इस पद में किया है। प्यारे विद्यार्थियों, तो देखते हैं किस प्रकार से गोपी की मनोदशा हो रही है। सजनी निरखी हरि को रूप, गोपी कोई अपनी सखी से कहती है कि हे सजनी, हे सखी, सजनी का अर्थ होता है सखी, निरखी मने देखो, हरि को रूप मने कृष्ण के रूप छवि को देखो। कोई गोपी क्या कह रही है कि ये सखी तुम कृष्ण के रूप छवि को देखो कि कृष्ण का कितना सुंदर मनोरम रूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण के रूप छवि और माधुरी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कृष्ण की रूप छवि और माधुरी का वर्णन किया जा रहा है। कृष्ण के घुंघराले काले बाल है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रकार से भंवरों के समूह के समान श्री कृष्ण के बालों की शोभा हो रही है, और गोपी है वो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में किस प्रकार से आकर्षित हो चुकी है, और उस समय उसके मन की क्या दशा है उसका चित्रण इस पद में प्यारे विद्यार्थियों किया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं। अब
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं सजनी निरखी हरि को रूप कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है कि हे सजनी, तुम हरि श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखो निरखो, कि तुम श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी को देखो। मन सी वचसी विचारी देखो अंग अंग अनूप, हे सखी तुम मन से और वचसी का अर्थ होता है वाणी से वचन से, मन सी वचसी का अर्थ हो गया मन से और वचन से यानी वाणी से, विचार ही देखो मैंने विचार करके देखो हे गोपी, कोई गोपी अपनी सखी से कह रही है गोपी तुम श्री कृष्ण की रूप छवि को देखो और मन से और विचार करके देखो कि अंग अंग अनूप, अनूप का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों अनोखा अनुपम, कि श्री कृष्ण जी की, श्री कृष्ण जी का प्रत्येक अंग अनोखा है ये तुम देखिए, ठीक है अपनी मन और वाणी से विचार करके देखो कि उनका प्रत्येक अंग जो है सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम है अनोखा है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुटिल केश सुदेश अलीगन बदन सरद सरोज, कुटिल केश उन श्री कृष्ण जी के जो बाल है वो क्या है कुटिल है, कुटिल मने टेढ़े टेढ़े या फिर घुंघुराले घुंघुराले बाल है श्री कृष्ण जी के, तो उन श्री कृष्ण जी की रूप शोभा है वो कैसी, बालों की शोभा कैसी है घुंघराले बाल है कुटिल है। और क्या है कुटिल केश सुदेश अलीगन, अलीगन कहते हैं भंवरों के समूह को, अली मैंने भंवरा और गन का अर्थ हो गया समूह है, तो अलीगन का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थियों भंवरों के समूह है, भंवरों का समूह है उसकी तरह उन बालों की कालिमा है, ठीक है वो घुंघराले बाल ऐसे लगते हैं जैसे कोई भंवरों का समूह है वो उड़ रहे हो, और वो कैसे उड़ रहे हैं बदन सरद सरोज, बदन मने मुख, सरद मने शरद ऋतु का, शरदकालीन शरदकालीन सरोज का अर्थ हो गया कमल, उनका शरद ऋतु के प्रफुल्लित कमल के समान मुखमंडल है और उस मुखमंडल के चारों ओर ये काले बादल काले जो बाल है वो उनके मुखमंडल पर मंडरा रहे हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करो समझ में आ गया होगा। देखिए कुटिल केश सुदेश अलीगन बदन सरद सरोज अर्थात उनके काले घुंघराले बाल भंवरों के समूह से लगते हैं, और जो कि उनके शरद काल के प्रफुल्लित शरद काल में विकसित खिले हुए कमल रूपी जो प्रसन्न मुख है उन पर मंडराते रहते हैं घूमते रहते हैं अर्थात ऐसे चक्कर लगाते हैं लटकते रहते हैं, ठीक है इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। मकर कुंडल किरण की छवि दूरत फिरत मनोज अर्थात मकर कुंडल मैंने मकराकृति के कुंडल, कानों में उनके मकराकृति के कुंडल उन्होंने धारण कर रखे और उनकी किरण की छवि उन मकराकृत कुंडल की जो शोभा है उन मकराकृत कुंडल की जो शोभा है या फिर उनकी जो चमक है शोभा या जो चमक है वो इस प्रकार से इतनी सुंदर है कि वह कामदेव को भी जो क्या कर सकती है उनकी छवि दूरत फिरत मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव, जो मन में जिनका जन्म होता हो उसको कहते हैं कामदेव, तो वह कामदेव को दूरत फिरत का मतलब होता है उनको मात देने वाले हैं उनको फीका करने वाले हैं, तो यह इसका अर्थ हो देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि मकराकृत जो कुंडल है उनकी जो आभा या उनकी जो शोभा है वह कामदेव की सुंदरता को भी मात देने वाली है उनको फीका करने वाली है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कि श्री कृष्ण जी की मकराकृत कुंडल की शोभा है। अरुण अधर कपोल नासा सुबग ईषद हास, और श्री कृष्ण जी के अरुण मने लाल रंग के, अधर मने होठ है, कपोल मने गाल, नासा मने नासिका, सुबग मने सुंदर, ईषद का अर्थ होता मंद मंद धीमा, हास मने हंसी है। देखिए अब यहाँ पर उनके लाल जो होठ हैं गाल हैं और नाक और साथ ही साथ उनकी उज्जवल जो मंद हंसी है वो मन को क्या कर देती है आनंदित कर देती है, सुभग सुंदर आनंद की प्राप्ति वो करवाने वाली है, ठीक है तो उनकी लाल लाल होठ और उनमें मधुर हंसी, उनकी नासिका और उनके सुंदर गाल है वो तो ऐसे लगते हैं, साथ ही साथ जब वो मंद मंद हंसते हैं उनकी मंद हंसी को देख करके ऐसा लगता है मन प्रसन्न हो जाता है,
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उनके लाल होठ, गाल, नाक और उनकी उज्ज्वल मंद हंसी मन को आनंदित करने वाली है। और दसन की दुति तड़ित नव शशि भ्रकुटी मदन विलास, इसका अर्थ देखिए, दसन का अर्थ होता है दांत, तो दांतों की जो पंक्तियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, दांतों की जो पंक्तियां हैं श्री कृष्ण जी के, वो इस प्रकार से सुंदर है। दुति का मतलब शोभा, चमक, तड़ित मन बिजली की चमक के समान लगते हैं उनके, जब वो हंसते हैं मंद मंद तो उनकी दांतों की छवि, दांतों की जो चमक या शोभा है वो बिजली के चमकने के समान बड़ी तीव्र दिखाई देती है, उज्जवल दिखाई देती है। तो उनके दांतों की शोभा आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। नव शशि, नव मने नए, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा, नए चंद्रमा, नवीन चंद्रमा के समान लगता है। भ्रकुटी मदन विलास, और उनकी जो भौएं हैं, भ्रकुटी मने भौएं, तो उनकी भौएं ऐसा लगता है जैसे मदन यानी कामदेव ने विलास किया हो, ऐसा सुंदर उनकी भौएं, उनकी भौएं कामदेव का विलास है। फिर देखिए आगे, अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर बनवाल, अंग अंग मने प्रत्येक अंग, अनंग का अर्थ होता है कामदेव प्यारे विद्यार्थियों, कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द होता है अनंग, बिना अंगों के, ठीक है, अनंग बिना अंगों के, तो इस प्रकार से कामदेव का पर्यायवाची है ये। तो देखिए उनके शरीर का जो शरीर की जो प्रत्येक अंग है शरीर के, उनके सौंदर्य के सामने, उनके सौंदर्य में कामदेव को भी जीत लिया है। श्री कृष्ण जी के इतने सुंदर अंग है कि उन्होंने कामदेव की सुंदरता को भी जीत लिया है। और क्या, रुचिर उर बनमाल, उन श्री कृष्ण जी के हृदय पर, उर मैंने हृदय पर, बनमाल मैंने बन फूलों की माला, बनमाला, रुचिर मैंने शोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। तो श्री कृष्ण जी के हृदय पर बन फूलों की माला जो है शोभित हो रही है, बन फूलों की माला शोभित हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको। तो ऐसी सुंदरता, ऐसी सुंदर छवि है श्री कृष्ण जी की उनके सामने, तो कामदेव भी फीके पड़ जाते हैं, कामदेव की कामदेव का सौंदर्य भी फीका नजर आता है। और उनके हृदय पर शोभा देने वाली, उनके हृदय पर विराजमान जो बन फूलों की माला है वो अत्यधिक शोभायमान हो रही है। सूरदास जी आगे कहते हैं कि सूर शोभा हृदय पूर्ण देत सुख गोपाल, सूरदास जी कहते हैं कि वे अंतर्यामी जो प्रभु है, प्रभु अंतर्यामी है, शोभा हृदय पूर्ण यानी समस्त हृदय के कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, समस्त भक्तों के हृदय को सुख देने वाले हैं, ऐसे गोपाल देत सुख गोपाल, ऐसे गोपाल सभी भक्तों के हृदय को कामनाओं को पूर्ण करने वाले और सभी प्रकार के भक्तों के हृदय को पूर्ण सुख देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे श्री कृष्ण जी की शोभा यहाँ पर वर्णित हुई है, ऐसे अंतर्यामी प्रभु है जिनकी ऐसी शोभा है कि वह भक्तों के हृदय को पूर्ण सुख देने वाले हैं। अब देखिए विशेष वाले पॉइंट में, कृष्ण के अपूर्व अनोखे रूप सौंदर्य का बखान यहाँ पर किया गया है, उनका स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया गया है, ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना, कृष्ण के अनोखे अपूर्व सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन किया है। अनुप्रास रूपक उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग किया गया प्यारे विद्यार्थी, इस पद में अनुप्रास तो है ही है और उपमा रूपक और साथ ही साथ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी यहाँ पर हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों भाषा की बात करें तो ब्रजभाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला देखिए प्यारे विद्यार्थियों पद, अब तो प्रगट भई जग जानी, अब तो प्रगट भई जग जानी, वा मोहन सो प्रीति निरंतर क्यों अब रहेगी छानी, कहाँ करो सुंदर मूरति इन नैनन माज समानी, निकसती नहीं बहु पचिहारी रोम रोम अरुझानी, अब कैसे निर्वारी जाती है मिली दूध ज्यों पानी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, उर अंतर की जानी, अब तो प्रगट भई जग जानी, अब तो प्रगट भई जग जानी। सूरदास जी के जितने भी पद हैं प्यारे विद्यार्थी उनको गाया जा सकता है, ये गए पद हैं,
तो इनको गाया जा सकता है, बहुत सुंदर भजन है वो। सूरदास जी लिखा करते थे, हर दिन नया पद लिखते थे और कृष्ण को भगवान को समर्पित करते थे। देखिए अब तो प्रकट भई जग छानी, इस पद में देखिए प्रसंग में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर ग्रंथ के गोपी प्रेम शीर्षक पद से अवतरित है और इसमें गोपी है वो अपनी कृष्ण से प्रीति को जग जाहिर कर रही है, बता रही है अपने कि गोपी अपने कृष्ण से जो प्रीति है प्रेम है उसके संबंध में बतलाती हुई कहती है। गोपी कह रही है कि अब तो प्रकट भई जग जानी, अब तो प्रकट मैंने प्रकट हो गई है, सबको पता चल गया है, भाई मैंने हो गई है, जग जानी मैंने पूरा संसार जान गया है, जग जानी मैंने संसार जानी मैंने जान गया है। अर्थात गोपी कहती है कि अब मेरे और कृष्ण के का जो प्रेम है वह प्रेम वह जो प्रीति है वो कृष्ण के साथ जो मेरी प्रीति है वो प्रकट हो गई है, पूरा संसार जान चुका है। यहाँ पर गोपी कह रही है अब तो कृष्ण के साथ जो प्रीति है वो सब संसार जान चुका है, सब जगह प्रकट हो गया है। और वहाँ मोवन सो प्रीति निरंतर क्यों ब रहेगी छानी, वहाँ मैंने उन मोहन से मेरी जो सो मैंने से प्रीति मैंने प्रेम निरंतर मन निरंतर कि उन मोहन से जो मेरी प्रीति का व्यवहार है वो निरंतर चल रहा है, क्यों अब रहेगा छानी। इसीलिए अब छानी का अर्थ होता है गोपनीय या जिसका पता न चले छिपी हुई। तो अब मेरी और कृष्ण की जो प्रेम मेरा और कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो अब छिपा हुआ या गोपनीय नहीं रह सकता, अब बिल्कुल भी गोपनीय नहीं रह सकता, अब क्यों रहेगा। ये लिखा है कि क्यों अब रहेगी छानी कि मेरे और कृष्ण की जो प्रीति है वो अब कैसे छिपी या गोपनीय रह सकती है। और कहाँ करो सुंदर मूर्ति इन नैनन माज समानी, गोपी कह रही है कि कहाँ करूँ मैं विवश हूँ, कहाँ करूँ मैंने क्या करूँ कि मैं विवश हूँ क्या करूँ कि सुंदर मूर्ति श्री कृष्ण जी की सुंदर मूर्ति है, उस सुंदर रूप छवि को देख करके मेरा मन अपने आप ही स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कृष्ण के साथ जो प्रीति है वो सबकी निगाहों में आ गई है और उन प्रीति के कारण मैं बेबस हो गई हूँ, मजबूर हो गई हूँ और अब तो उनकी मूर्ति है वो मेरी इन नैनन माज समानी, इन नेत्रों के नेत्रों माज समानी का मतलब मैं समा गई है, इन नेत्रों में समा गई है, मेरे नेत्रों में श्री कृष्ण की रूप छवि समा गई है, इसीलिए मैं क्या करूं अब वो मूर्ति मेरे हृदय में समा गई है। निकसती नहीं बहुत पचिहारी, गोपी कहती है कि क्या करूं निकसती मैंने निकल नहीं रही है, बहुत पचिहारी मैंने बहुत पचिहारी का मतलब कोशिश करके थक गई हूँ, पचिहारी का अर्थ हो गया थक, कोशिश करके प्रयत्न करके मैं थक गई हूँ कि ये कृष्ण की रूप छवि है मेरे हृदय से निकल नहीं रही है, मेरे मन से निकल नहीं रही है, मैंने बहुत कोशिश की है और मैं फिर पचिहारी मैंने मैं हार गई हूँ क्योंकि उनकी माधुरी क्या है रोम रोम उर जानी, रोम रोम में उलझ गई है, अरुझानी का अर्थ हो गया प्यारे विद्यार्थी उलझ गई है, उन श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी मेरे हृदय में मेरे मन में रोम रोम में उलझ गई है, इसीलिए मैं चाह करके भी उनको निकाल नहीं पा रही हूँ। और आगे देखिए सूरदास जी कहते हैं कि अब कैसे निर्वारी जाती है मिली दूध जो पानी, कि अब मैं कैसे निर्वारी का मतलब होता है अलग होना, अब कैसे निर्वारी जाती है मतलब अब कैसे मैं अपने हृदय से या अपने मन से उनकी रूप छवि को अलग करूं, क्यों क्यों अलग नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मिली दूध ज्यों पानी। प्यारे विद्यार्थियों सूरदास जी कहते हैं वर्णन करते हुए कि गोपी कह रही है कि अब मैं क्या करूं मेरी श्री कृष्ण जी की रूप माधुरी या रूप छवि मेरी मूर्ति उनकी मधुर मूर्ति मेरे हृदय में इस प्रकार से बस गई है कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है और उसको दूध में मिले हुए पानी को जिस प्रकार से अलग करना बहुत कठिन होता है नहीं किया जा सकता, ऐसे ही श्री कृष्ण जी से मेरा जो प्रेम है या उनकी जो मधुर रूप छवि है वो मेरे हृदय में बस गई है, उनको मैं चाह करके भी उनको अलग नहीं कर सकती उनको निकाल नहीं सकती। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ मिला है इस प्रकार से मिल गई है कि दूध में जैसे पानी मिल गया ऐसे मिल गई है। सूरदास प्रभु अंतर जामी उर अंतर की जानी, सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रभु श्री कृष्ण जी अंतर जामी हैं अर्थात प्रत्येक हृदय की बात को जानने वाले हैं,
अंतर्यामी हैं और क्या करते हैं, उर अंतर की जानी, वो मेरे भी हृदय की समस्त बातों को जानने वाले हैं, वे सभी के हृदय की बात को जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, वो मेरे भी हृदय के समस्त बातों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर गोपी अपनी व्यथा प्रकट कर रही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी प्यारे विद्यार्थियों। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि यहाँ पर गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण जी के अनोखे स्वरूप का, अनोखे रूप सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन वो किया गया है। गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण जी का स्वाभाविक रूप वर्णन हुआ है। सूरदास जी ने कृष्ण को सर्वज्ञ बतलाकर अपनी भक्तिमय आस्था भी व्यक्त की है कि भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, तो इस प्रकार सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी है, तो ऐसी बात कहकर के वे अपनी भक्ति की निष्ठा को, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपमा अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश एक ही शब्द की आवृत्ति हो गई है और अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको विशेष वाले पॉइंट में आपको ये लिखने हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पद समझ में आ गया होगा और इसको आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे सूरदास जी के पदों की व्याख्या को लेकर के, जो कि अब होगी विरह के वर्णन से हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। गोपी प्रेम से लगभग आपके चार पद हैं, पांच पद हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो उनको हमने पढ़ लिया है। अब अगले वीडियो में हम विरह वर्णन जो है उसका हम पढ़ेंगे, जो कि एक तरह से भ्रमर गीत सार से होगा और उसमें गोपी है वो उद्धव जी को अपनी व्यथा व्यक्त करती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों ही पदों की व्याख्या को ठीक प्रकार से पढ़ें और नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद विद्यार्थियों।